नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मुंबई के जोगेश्वरी में भिड़े एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता, एक दूसरे पर लगाए ये गंभीर आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों गहमा गहमी का माहौल है। इस बीच मंगलवार को मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हो गया। शिवसेना यूबीटी ने रविंद्र वायकर पर महिलाओं को पैसा बांटने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस प्रशासन पर मदद न करने का भी आरोप लगाते हुए कुछ देर के लिए JVLR रोड जाम कर दिया था। वहीं शिंदे गुट ने शिवसेना कार्यकर्ताओं पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए दोनों पक्षों को थाने बुलाया। शिवसेना नेता ने लगाए ये गंभीर आरोप। शिवसेना नेता शीतल महात्रे ने कहा, यूबीटी के जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना की महिलाओं पर हमला किया, उनके कपड़े फाड़ दिए और वीडियो बनाने की कोशिश भी की। इसके बाद एक महिला की कार पर हमला किया और उसके घर तक उसका पीछा किया। उन्होंने कहा, उनमें से कुछ अपराधी थे और आधे हत्यारे थे। वे जानते हैं कि वे चुनाव हारने जा रहे हैं और इस वजह से वो डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की है और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी और सभी को नियंत्रण में लेने का काम शुरू हो गया है। 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP शामिल है, जबकि कांग्रेस शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।